ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पाइप का एक हिस्सा अपने टैप में जो है वो जोड़ दिया है और दूसरा हिस्सा मेरे पास है। अब ये वॉशिंग मशीन ओपन करके अब मैं ये पाइप इसमें पानी डालने लगी। ये देखें व्यूअर्स, वॉशिंग मशीन हमारा पानी ले रही है। व्यूअर्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर हम ऊपर से पानी कैसे डालकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है इसमें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वाटर पाइप अगर आपका जुड़ा हुआ नहीं है तो आप अगर आपका खारा पानी है, जैसे कराची सिंध या बलोचिस्तान की तरफ है, जो है खारा पानी होता है बोरिंग का, और वो चाहते हैं कि जी ऊपर टैंकर का पानी जो है वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर इस्तेमाल करें तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन लेकर तो आ जाते हैं अपने घर, लेकिन उसकी पाइप फिटिंग वगैरह का अभी जो है आपके पास बजट नहीं होता या आप नहीं कर पाते, लेकिन उसके अलावा भी आप वॉशिंग मशीन को यूज करना चाहते हैं तो ऊपर से पानी डालकर आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वॉशिंग मशीन अगर पानी बहुत ज्यादा स्लो लेती है और आप उससे फेड अप हो गए हैं तो आप एक और तरीके से इस वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो सारा तरीका, वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर भी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कर दिया है अपने वॉशिंग मशीन का मेन वॉल्व बंद ताकि जो है आप अच्छे से देख सकें कि किस तरीके से जो है आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने मेन वॉशिंग मशीन का वॉल्व भी खोल दिया है आपके सामने ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से समझ सकें वीडियो। तो आपके सामने मैंने अपने वॉशिंग मशीन का ये वॉल्व भी हटा दिया है। तो व्यूअर्स, देखा आपने, मैंने अपनी वॉशिंग मशीन का मेन वॉल्व और वॉशिंग मशीन का खुद का वॉल्व दोनों मैंने हटा दिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि किस तरीके से जो है आप ऊपर से पानी डालकर भी इस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पुराने ज़माने की वॉशिंग मशीन होती थी जिसकी एक फंक्शन होता था वॉश का फंक्शन, लेकिन अब ये उसी टाइप की वॉशिंग मशीन है लेकिन इसके पास फंक्शंस बहुत सारे हैं जिसे बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें वॉश का फंक्शन है, रिंस है, इसके अलावा स्पिन है और तो और सॉक फंक्शन भी है। तो चलिए आइए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना है सबसे पहले, पाइप नहीं है तो आपने बकेट लेना है और बकेट के अंदर पानी भर कर इसके अंदर डालना है। लेकिन मैं चूंकि बकेट नहीं उठा सकती तो मैं लेने लगी हूँ पाइप और पाइप के जरिए इसके अंदर पानी डालूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पाइप का एक हिस्सा अपने टैप में जो है वो जोड़ दिया है और दूसरा हिस्सा मेरे पास है। अब ये वॉशिंग मशीन ओपन करके अब मैं ये पाइप इसमें पानी डालने लगी। व्यूअर्स, ये वीडियो होने लगी है आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इसमें ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। अक्सर व्यूअर्स ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये ज़रूरत पेश आती है बलोचिस्तान या सिंध साइड पर जहाँ पर खारा पानी होता है और टैंकर्स वगैरह डाले जाते हैं मीठे पानी के, तो उनके लिए ये ज़रूरत पेश आती है कि वो जो है खारे पानी से अटैच नहीं कर सकते वरना वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का पाइप की वाली सहूलत नहीं है तो आप बकेट भर कर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर में किसी भाई बेटा या शौहर की हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि आप अकेले इतनी भारी वेट ना उठाइएगा। तो व्यूअर्स, मेरे पास जो है ये सहूलत मौजूद है पाइप की, तो मैं इसके ज़रिए जो है इजीली वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भर लूँगी। अच्छा, पानी भरने का ये है कि मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ और फर्दर मैं अपनी वीडियोज़ में आपको दिखाती रहती हूँ कि ये जो वाटर लेवल इसमें सेलेक्ट किया जाता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, लो, मीडियम, हाई और मैक्सिमम, तो वो कितना होता है और मैं आपको दिखाती रहती हूँ, उस हिसाब से जो है मैं पानी इसके अंदर डालूँगी। इसके अलावा होता यह है कि हमें ये ज़रूरत तब पेश आती है कि जब जो है क्या कहते हैं हम महंगी चीज़ परचेज कर तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्लम्बर से जो है पाइप फिक्सिंग वगैरह नहीं हो पाती है या थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन आप यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप ऊपर से पानी डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत होता है कि पानी के प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत होता है कि आपकी टंकी इतने ज़्यादा हाइट पर नहीं है, वॉशिंग मशीन आपके
पास है और वो पानी का प्रेशर सही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन जो है आपका सही से प्रेशर नहीं लेती और पानी स्लो लेती है, और आपका जो एक या डेढ़ घंटे में फंक्शन है वॉश साइकिल, वो आपका 2 से 3 घंटे पे चला जाता है। तो उसके लिए भी आप ये हल ये है कि आप ऊपर से पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेन चीज़ आप याद रखें, उसके लिए आपने करना ये है कि जब इसमें पानी भर जाएगा, आपने हमेशा इसमें पानी ज़्यादा ही भरना है। और ज़्यादा ही पानी भरेंगे तो होगा ये कि जब आप वॉशिंग मशीन का वॉश साइकिल और बाकी साइकिल जब आप स्टार्ट करेंगे, इसमें जो फंक्शन सेलेक्ट कर आप वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे, तो वॉशिंग मशीन ईजिली अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगी, उसे पानी लेने के लिए रुकेगी नहीं। ये देखें व्यूअर्स, वॉशिंग मशीन हमारा पानी ले रही है। व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने वॉशिंग मशीन को हाफ ड्रम को जो है पानी से भर दिया है। ड्रम को हाफ ही भरना है ताकि जो भी आप कपड़े इसमें वॉश करें वो वाटर लेवल इसका अप ही हो। अब आपने क्या करना है, अभी आपने इसके अंदर अपने कपड़े डालने हैं, डिटर्जेंट या सोप जो आपने डालना है वो आप इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए आइए डालते हैं। व्यूअर्स डिटर्जेंट हम इसमें ऊपर से ही डालेंगे, इसलिए हम डिटर्जेंट पॉकेट इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें पानी नहीं यूज़ करें, वरना पानी इधर से आता था और डिटर्जेंट इसके अंदर जाता था, इसलिए हम डिटर्जेंट हमने ऊपर से ही डाला है। एक एक कपड़ा व्यूअर आपने खोलकर डालना है, अगर आपने इसके अंदर एक एक कपड़ा खोलकर नहीं डाला तो इसमें कपड़ों की गठरी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपना स्विच ऑन वॉशिंग मशीन का। स्विच ऑन करने के बाद हम करेंगे पावर बटन ऑन। पावर बटन ऑन करने के बाद आपने इसका वाटर लेवल लो पर रखना है। इसका वाटर लेवल लो पर रखेंगे तो वॉशिंग मशीन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगी। अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले इसका वॉश ऑनली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कपड़े थोड़े से गंदे हैं तो 2 दफ़ा जो है वो अच्छे से मैं इस वॉशिंग मशीन को करूँगी हैवी पर। वॉशिंग मशीन को मैंने किया है हैवी पर ताकि जो है अच्छे से इसमें वॉश, और जो है क्या कहते हैं इसका वॉश टाइम हो गया है 18। वॉश पहले करूँगी इसको वॉशिंग मशीन वॉश फंक्शन, ताकि रिपीट कर सकूँ वॉश फंक्शन, उसके बाद रिंस स्पिन इसके अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ वॉशिंग मशीन का 1 टच सोल्यूशन स्टार्ट करने लगी हूँ वॉशिंग मशीन, और आप ये देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर चूँकि वाटर लेवल बिल्कुल सेलेक्ट था तो उस हिसाब से वॉशिंग मशीन अब स्टार्ट हो गई है। ये देखें व्यूअर्स कितने अच्छे से वॉशिंग मशीन स्टार्ट करी है, और आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसका वॉल्व निकला हुआ है वॉशिंग मशीन का। आप ये देख लें, मैंने इसके साथ अटैचमेंट हटाई हुई है, ये वॉशिंग मशीन के अंदर पानी मैंने अलग से डाला हुआ है। और ये देखें वॉशिंग मशीन अपना फंक्शन कर रही है, अभी वॉश कर रही है। मैं अगेन इसको रिपीट करूँगी और फिर मैं इसको रिंस और स्पिन कर दूँगी। फिलहाल ये प्रोसेस 16 मिनट का है क्योंकि मैंने हैवी पे यू रखा है, ताकि हैवी फंक्शन में इसका वॉश टाइम ज़्यादा होता है तो वो अच्छे से वॉश हो जाए कपड़े। अभी बस देखते हैं इसका वॉश साइकिल, मिलते हैं आफ्टर 16 मिनट्स। व्यूअर्स वॉशिंग मशीन हमारी एक दफ़ा बंद हो चुकी है, मैं अब दोबारा इसका पावर बटन ऑन कर हैवी फंक्शन पर जो है अब मैं इसका जो है वाटर लेवल आपने इसका लो ही रखना है। रिंस टाइम आप इसका यहाँ 0 करेंगे और स्पिन टाइम भी आप 0 करेंगे। वॉश ओनली पे एक दफ़ा और इसको रिपीट करूँगी। रिंस टाइम और स्पिन टाइम हम क्यों 0 कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तो इसके अंदर ऊपर से पानी डालना है ना। जब हम इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे फिर हम रिंस और स्पिन पर इसको लेके जाएंगे। तो मैं इसको एक दफ़ा और वॉश पे लगा रही हूँ, और वॉशिंग मशीन ने एक दफ़ा और वॉश करना स्टार्ट कर दिया है ताकि कपड़े अच्छे से साफ हों, अच्छे से डिटर्जेंट और जो दाग वगैरह जो है वो निकल जाएँ। जो लोग कहते हैं कि जी हमारे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कपड़े साफ नहीं धोती, मैं उन्हें बार बार कहती हूँ कि काइंडली आप जो है मेरी से पहले जो वीडियो आ चुकी है आप वो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आप क्या करें अगर आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े साफ नहीं कर धोती। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो में बताया है कि आप रिपीट किया करें अपना वॉश साइकिल, इसका वॉश साइकिल किस तरीके से वॉश करता है वो भी आप मेरी वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है उसके अंदर कि इस वॉशिंग मशीन का वॉश साइकिल किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप और मेरे चैनल पर जाकर फर्दर मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने बहुत सारी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको बहुत तंग करती हैं, परेशान करती हैं। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और जाकर आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं।
व्यूअर्स, वॉश साइकिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है रिंस और स्पिन। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना है मशीन का पावर बटन ऑन और आपने जस्ट ओनली स्पिन आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि रिंस के लिए तो पानी आप ऊपर से डालेंगे ना, तो उसके लिए आपने खाली स्पिन लेना है ताकि ये जो सर्फ वाला पानी है वो सारा हमारा ड्रेन ऑफ हो जाए। उसके लिए आपने स्पिन कर दबाना है, प्रेस करना है बटन और वो आप 4 मिनट्स रखेंगे और आप कर देंगे वॉशिंग मशीन का स्टार्ट का बटन ऑन और अब ये पानी आपका सारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा। ये सारा पानी आपका ड्रेन ऑफ हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ ड्रेन का अलग से ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए आपको स्पिन ही यूज़ करना पड़ता है। और जब ये अच्छे से पानी सारा इसका ड्रेन ऑफ हो जाएगा फिर हम इसके अंदर न्यू पानी ऐड करेंगे अलग से, ताकि स्पिन अच्छे से कपड़े रिंस हो जाएं हमारे। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इसको स्पिन पे लगाया था, स्पिन पे लगाने के बाद जो है अब मैं इसके अंदर जो है बहुत अच्छे से इसका डिटर्जेंट जो है वो निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर न्यू पानी ऐड करने लगी हूँ रिंस करने के लिए, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये 4 मिनट के लिए मैंने लगाया था और स्पिन जो है बहुत अच्छे से हो गया है, तो आपने मशीन को क्या करना है, बीच में पॉज करना है। ये मैंने वॉशिंग मशीन को पॉज कर दिया है। पॉज करने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स देखिए, ये रिंस के लिए हम अगेन इसके अंदर जो है पानी डालने लगे हैं और पानी आपने उतना ही हाफ ड्रम ही आपने जो है भरना है जितना हमने पहले भरा था, ताकि अच्छे से कपड़े रिंस हो जाएं हमारे और अच्छे से कपड़ों के अंदर से जो है डिटर्जेंट निकल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन ने बहुत अच्छे से पहले ही स्पिन पर ले जाकर इसका डिटर्जेंट निकाल दिया है, तो इसमें एक ही दफ़ा स्पिन करने की ज़रूरत है, 2 या 3 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पानी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अगर आपका फिर भी दिल नहीं मानता तो आप 2 या 3 दफ़ा इसको बहुत अच्छे से जो है पानी को रिंस कर सकते हैं। भी बस ये हमने पानी वॉशिंग मशीन के अंदर भर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है का पानी का लो ही रखेंगे। देखिए आप लो ही रखेंगे क्योंकि आप ऊपर से पानी नहीं डाल रहे, वरना वॉशिंग मशीन पानी का वेट करती रहेगी और इसको पीछे से पानी नहीं मिलेगा तो एरर दे देगी, इसलिए आपने पानी का लो ही रखना है। अब मैं करने लगी हूँ 1 टच सॉल्यूशन, इसको स्टार्ट। व्यूअर्स ये देखिए, अब ये वॉशिंग मशीन जो है अच्छे से इसको रिंस कर रही है। इसका आप वॉश पे ही रखेंगे और पूरा 10 मिनट आपने नहीं करना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट जो है आपने इसको करना है रिंस अच्छे से, क्योंकि रिंस पे रखेंगे तो आप जो भी पानी ऊपर से डालेंगे वो सारा जो है निकल जाएगा। बेहतर ये है कि आप इसे वॉश पे रख कर ही रिंस कीजिए। तो व्यूअर्स, जहाँ इतनी आसानियाँ हैं और अगर इसका प्रॉपर फिटिंग जो हमने इसकी हटाई हुई है तो उसकी वजह से थोड़े से तो जो है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ये सेटिंग सीख लें तो बहुत इजी हो जाता है उस वॉशिंग मशीन को हैंडल करना। जस्ट आपने वाटर लेवल जो है आपने लो ही रखना है, बाकी आपने सिर्फ वॉश फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इसको वॉश, सॉक और रिंस तीनों चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो भी बस ये देखें, हमारी वॉशिंग मशीन ने बहुत अच्छे से जो है वो सर्फ निकाल दिया है और मुझे इसका पानी इतना ज़्यादा जो है सर्फ वाला डिटर्जेंट वाला नहीं है, तो मेरे ख्याल के मुझे इसको सेकेंड टाइम जो है ज़रूरत पड़ेगी रिंस करने की। अगर आप नहीं सेटिस्फाई होते तो आप बेशक जो है इसको कर सकते हैं सेकेंड टाइम। अब मैं इसको जस्ट स्पिन ओनली करने लगी हूँ, स्पिन ओनली करूँगी 5 मिनट और मैं इसको मशीन को स्टार्ट कर रही हूँ। अब मशीन जो है अपना सारा पानी निकाल लेगी और इसको अच्छे से स्पिन करके बाहर निकाल लेगी। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि विदाउट वाटर जो है पाइप के फिक्सिंग के आप किस तरीके से इस वॉशिंग मशीन को सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद है व्यूवर्स आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर भी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और व्यूवर्स इसके अलावा जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।